तो फ्रेंड हम लोग का पास आज एक पल्सर एक लेफ्ट साइड इंडिकेटर नहीं जलता है भैया वाला, तो चेक के क्या चुके सही है। तब जैसे मालूम हो वायरिंग में ये तार काट गया है यहाँ पे, लोग छिले अभी अभी थोड़ा तार जैन करके यहाँ पे फिट कर देंगे। बैटरी में पानी कम था, पानी डाल के चार्ज कर दे। तो फ्रेंड देखें साइड वाला जलता है, बैग वाला जलता है, पीछे वाला नहीं जलता है, सिर्फ ये ही जलता है। ये थोड़ा खुल के देखो, जब खुलो जैसा क्या इसमें सॉकेट चेंज कर दे तो जलने लग गया, तो इसका मतलब चेक हो गया इधर सही है। तो हम लोग इस तरफ से धीरे धीरे इधर आ गए, तो यहाँ पे मिल गया, चलो यहाँ पे सही करो। पहले हम लोग इधर सही है, तब यहाँ पे हल्का सा फटे तो फटने के बाद निकल गया यहाँ पे, तो जैन होता है अक्सर इधर से कटता है और इधर से कटता है, जैसा हॉर्न का भी तार होता है तो इधर से कटता है। छिलो छिल के तार जैन करो इनको, तो एक काम करो ये थोड़ा जला के देखो, ठीक है ना, देखो इंडिकेटर दो सेट करो यहाँ पे, खुलो तार खुलो यहाँ पे, देखे फिर तार लगाओ, जुड़ने के बाद जलता है, सेट करो यहाँ पे तार जैन करो। चाप के तक करना है, सही से सील कर देना है। तो हो गया ना ये अंदर करके क्या भूसा दे दे, हो गया ना गला इंडिकेटर। तो फिर देखिए इंडिकेटर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, इधर वाला गला सही है। इसका सर्विस हुआ था, क्लास प्लेट भी हम लोग डाले, यहाँ पे क्लास प्लेट है, बॉल रेसर भी चेंज थे, हैंडल का काम, इंजन और सब चेंज हो गया। टैंक को फंसा दो, ठीक है।
तो फ्रेंड अक्सर इंडिकेटर अगर सही रहेगा उधर की तरफ तो यहीं से कटने का ज़्यादा चांस रहता है, और जो सेल पर हॉर्न का होगा उससे रहता है।